माना हम सख्त हैं पर गलत नहीं, जो तेरी जिंदगी बचाना गलत है तो हम गलत ही सही। हम एक एक जवान लाख हैं, यह खाकी भारत की साख है। हाँ मैं पुलिस, माना हम सख्त हैं पर गलत नहीं। माना हम सख्त हैं पर गलत नहीं, जो तेरी जिंदगी बचाना गलत है तो हम गलत ही सही। हम एक एक जवान लाख हैं, यह खाकी भारत की साख है। हाँ मैं पुलिस, माना हम सख्त हैं पर गलत नहीं। माना हम सख्त हैं पर गलत नहीं, जो तेरी जिंदगी बचाना गलत है तो हम गलत ही सही। हम एक एक जवान लाख हैं, यह खाकी भारत की साख है। हाँ मैं पुलिस, माना हम सख्त हैं पर गलत नहीं। मैडम, कुछ आप रेनवाल वासियों को संदेश देना चाहते हो? कोरोना महामारी का जो दूसरा लहर है, इसमें बहुत ही खतरनाक स्थिति में लेके आया है। इसमें सबसे ज़्यादा युवा और जो बच्चा वर्ग है वो प्रभावित हो रहा है। तो हमारा और पुलिस प्रशासन का और नगर पालिका का संयुक्त रूप से प्रयास यही है कि किसी न किसी रूप में इस कोरोना की जो चैन है उसको तोड़ा जाए और इस महामारी से आम जनता को बचाया जाए। इसी मुहिम में हम लगातार कार्य करते हुए डेली फ्लैग मार्च करना और लोगों को घरों के अंदर प्रवेश करवाना और जहाँ भी भीड़ हो वहाँ पे नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई करना, ये हमारा निरंतर प्रयास चल रहा है और आगे भी हम इस प्रयास को जारी रखेंगे जब तक कोरोना की इस महामारी से हम लड़ नहीं निकलेंगे। धन्यवाद। नमस्ते मैडम। नमस्कार मैडम, आप नगर पालिका के तरफ से आप कुछ संदेश देना चाहते हो रहने वाले को? बिल्कुल, संदेश यही है, अभी तो कोरोना है और लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन की पालना करें और जो वृद्ध हैं जिनको गाइडलाइन जो आ चुकी है उसके अकॉर्डिंग वैक्सीनेशन करवाएं और सब अपना अपना ख्याल रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जहां तक हो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, इससे अधिक इसमें कुछ नहीं। आपको इसकी पालना सुनिश्चित करनी चाहिए कि आप घर पर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। और अभी नई गाइडलाइन आई है तो 10 तारीख बाद में शायद संपूर्ण लॉकडाउन लग रहा है, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप? जैसे हमारे पास निर्देश प्राप्त होंगे सबको अवगत करा दिया जाएगा और जैसा कि सबको मालूम है मीडिया के माध्यम से पता चल जाता है, तो जैसा भी होगा वो देखी जाएगी और उसकी पालना हमें करनी है, हम सबको मिलकर करनी है। लोग बात कंफ्यूज है कि परचूनी या जो डेयरी है वो खुलेगी या नहीं खुलेगी, आपका क्या विचार है? जो आगे से निर्देश होंगे वो उसी की पालना हम करेंगे। मतलब 15 फुट में तो वो साधन लगाएंगे और 15 फुट में अपना सामान देते हैं, ये आम पब्लिक जो दूर दूर खरीदने वाली रहेगी इसमें कोई वो नहीं रहेगा, साधन नहीं खड़ा करेगा। मोटरसाइकिल है इधर खाली जगह है, वो यहाँ खड़ी करने वाले और ये
ये पार्किंग बना, ये तीन सेट है ना, यू नंबरिंग करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पाइप का हिसाब से, एक पाइप से एक पाइप यानी वो 15 फुट की दूरी है, सोशल डिस्टेंस पूरी रहेगी इसमें 15 फुट में, तो गाड़ी खड़ी करेंगे इसमें, होलसेलर आएंगे ऐसे पूरा आ जाएगा तो अपने सब्जी मंडी की समस्या खत्म हो जाएगी। ये पाइप लाइन आज करवा दो, अब समझ तो गए ना।